नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में मधुबन मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिको उत्सव। कोरोना वायरस को लेकर पूरे दरभंगा शहर में है भय का माहौल। नगर निगम के सफाई कर्मी बिना मास्क के सफाई करने पर मजबूर। बीजेपी के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांस्कार की अध्यक्षता में वार्ड संख्या 1 से 7 तक बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक एवं BLA2 की आवश्यक बैठक। विश्व हिंदू परिषद, सौ बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के द्वारा राम जानकी मंदिर पंडा सराय के प्रांगण में विभागीय बैठक का आयोजन। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को आपदा घोषित करने के बावजूद दरभंगा नगर निगम में स्वयं सहायता समिति की बैठक का आयोजन। विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर शोषण, अत्याचार, जाति भेदभाव, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना अनशन जारी। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा का वार्षिको उत्सव गत रात्रि मधुबन मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समिति की अध्यक्षता नीलम पंसारी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया तथा अपने संबोधन के जरिए शाखा के माध्यम से किए गए प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों में शाखा ने कई सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, जिसकी वजह से शाखा ने न सिर्फ दरभंगा अपितु प्रादेशिक सेमिनार में भी शाखा के कार्यों का जमकर सराहना हुई है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व चिंतित है, खास करके केंद्र और राज्य सरकार अभी से बड़ी तैयारियां पे जुटी हुई है कि ताकि इस संक्रमण बीमारी से बचा जा सके, किंतु दरभंगा नगर निगम कर्मियों की चिंता नगर निगम को बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे संवाददाता राजू सिंह का ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां नगर निगम के कचरा उठाने वाले कर्मियों को नगर निगम की ओर से मास्क तक मुहैया नहीं कराया गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब सफाई कर्मियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो मास्क नहीं मिला, ना ग्लव्स मिला है, हम लोग को भी अब भय लग रहा है। फिर भी हम लोग पब्लिक संघर्ष काम है, इसलिए हम लोग पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं सफाई अभियान में। या सुने हैं कि आज मीटिंग होने वाली है, उसमें हम लोग को प्रति भी कुछ सोच बनावे, मास्क ग्लव्स क्या नाम नाम हुआ नहीं, हम लोग तो नहीं मिला ऐसा संतोष कुमार। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं, दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग प्रवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश, हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं, वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। रविवार को दरभंगा स्थानीय आजमी नगर स्थित हाई स्कूल के प्रांगण में दरभंगा नगर भाजपा की वार्ड संख्या 1 से 7 तक बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक एवं BLA2 की आवश्यक बैठक नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांस्कार उर्फ झुनझुनवाला के अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकप्रिय नगर विधायक सह प्रकलन समिति के सभापति श्री संजय सरावगी जी ने मुख्य रूप से कोरोना वायरस के बचाव पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को मान रही है और हम लोग को भी मानना चाहिए।
बैठक में शामिल थे मनीष खट्टी, सुजीत मल्लिक, रमेश झा, प्रमोद चरण साहू, पार्षद भारत सहनी, पंडित वेद व्यास, विनीत वर्मा, बाबूलाल शाह, कृष्णानंद झा, दीपक महतो एवं मोहन राय इत्यादि उपस्थित थे। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांस्कार उर्फ झुंझुनवाला समेत विधायक स्व प्रकलन समिति के सभापति श्री संजय शराबगी जी से बात करके बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आज बैठक और उसमें प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। हम लोग का कुछ संगठनात्मक और कोरोना पर, जो कोरोना पूरे विश्वव्यापी आपदा है और देश में भी आपदा घोषित हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी चौक चौराहा मोहल्लों में भी कोरोना पर लोगों को जागरूक करेंगे। जहाँ गंदगी होगी वहाँ जो है नगर निगम को कहेंगे कि नहीं इसको सफाई कराइए तुरंत, और आम लोगों को भी कोरोना के लिए ये जन जागरूकता फैलाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और इसी के लिए जो है आज बैठक भी रखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की भी इतनी बड़ी आपदा में एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और कार्यकर्ता सभी चौक चौराहों मोहल्लों में जो है या गंदगी की सफाई हो या कोरोना के टाइम कोई मरीज हो उसको अस्पताल भेजना या जिस स्तर पर भी कोरोना जो आपदा वो कम से कम आवे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगे। बैठक बुलाया गया है क्योंकि दरभंगा नगर में एक कैश वाद है पुराना, उसी अनुसार नगर संगठन का काम होता है। वो एक से सात वाद जो पुराना है उसी का आज बैठक था बूथ अध्यक्ष BLO का। तो हम अब चाहेंगे हम लोग के नेता दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक श्री संजय शराबी जी आज जो अपना मार्गदर्शन देंगे संगठन को। रविवार को विश्व हिंदू परिषद सौ बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मत्री शक्ति की विभागीय बैठक राम जानकी मंदिर पंडा सराय के प्रांगण में बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महादेव जायसवाल जी, प्रांत के प्रांतीय मंत्री राज किशोर और प्रांतीय सह मंत्री अरविंद और विभाग मंत्री महेश सिंह एवं मातृशक्ति की संयोजिका उमा सिंह की मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर तीन बार ओम का जाप, एकात्मता मंत्र और 13 बार विजय महामंत्र श्री राम जय राम जय जय राम करके शुरू हुई। इसके बाद इस बैठक में आए हुए चार जिला के कार्यकर्ता शामिल हुए। मधुबनी, झंझारपुर, बेनीपुर और दरभंगा के चारों जिला के सभी प्रखंड के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। आज दरभंगा जिला में बहुत दिनों के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की विभाग बैठक हुई है पंडा साय हनुमान जानकी मंदिर के प्रांगण में, जिसमें इस बैठक में हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित थे, संगठन मंत्री प्रांतीय संगठन मंत्री राजकिशोर जी, सह संगठन मंत्री अरविंद जी और विभाग मंत्री महेश जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में चार जिला से पदाधिकारी लोग कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए, मधुबनी, झंझारपुर, बेनीपुर और दरभंगा, इन सभी चार जिलाओं को मिलाकर एक विभाग बनाया गया है जिसकी आज बैठक थी। बैठक का उद्देश्य था संगठन की मजबूती और संगठन का विस्तार, जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग संगठन के कार्य को बताया है, आगे की जो हम लोगों की पद्धति है कार्य की उसे बताया गया है और आगामी राम उत्सव की तैयारी सभी लोगों को करना है, धूमधाम से राम उत्सव मनाना है। आज हमारी विभाग बैठक जिला दरभंगा में संपन्न हुई जहां हमारे सभी कार्यकर्ता आए हुए थे। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक, दरभंगा। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावे भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती तीन फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाए और हमें सेवा का मौका दें।
इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च तक सभी संस्थानों को सजग कर दिया गया है। यहां तक कि प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी तक को बंद कर दिया गया है। किंतु दरभंगा नगर निगम में आज स्वयं सहायक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए संजय कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त की ओर से आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वयं सहायक समिति कर्मियों की डस्टबिन के बारे में जानकारी देना था। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब उप नगर आयुक्त श्री कमलनाथ झा से बात की तो वो अपने आप को बचाव करते हुए नजर आए। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उप नगर आयुक्त श्री कमलनाथ झा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए इस बैठक के बारे में क्या बताया। पहली बात तो ये बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा गाइडलाइंस कोरोना के बारे में जारी किया गया, उस गाइडलाइंस का सच्चा अनुपालन हो रहा है और कोई बैठक आज निर्धारित नहीं थी। इससे पहले हम लोग कुछ मुद्दे पर सीआरपी यहाँ आते, क्योंकि सीआरपी है या कोई सर्कल ग्रुप की महिलाएं हैं, हमारे सीएमएम यहाँ रहते हैं तो उनसे मिलने आती है, उनसे गाइडेंस लेती है, उसी का मीटिंग यहाँ पर तय की गई है। और मतलब क्या, जब तक जो गाइडलाइंस माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है या जो कि हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है जो गाइडलाइंस दे रहा है कोरोना के बचाव के लिए, वो सारे गाइडलाइंस का हो बहुत सच्चा अनुपालन किया जाए। लेकिन कर रहे हैं आपकी मोबाइल पे आ रहा है आपके जो हम ऑथेटिक कर रहे हैं, बैठक नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे ना, ऑथेटिक आप ऑथेटिक से बात कर रहे हैं, ऑथेटिक कह रहे हैं कि बैठक नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, मतलब कुछ नहीं करना मुझे। स्वयं सहायता समूह की महिला अभी तो वो सर वो डस्टबिन के बारे में कुछ मीटिंग था उसी के लिए तो हमें समझ में नहीं आया सर। वो नगर आयुक्त द्वारा जो है कर्मचारी आके उनके द्वारा कहा गया उन लोगों का मीटिंग है कि नहीं, उन लोगों को बुलाइए और डस्टबिन के बारे में बताया जाए। अच्छा, तो क्या सिटी मैनेजर सर से मिलेंगे, जो हमसे कहें उन लोगों से मिलेंगे कि क्या किया जाए। संजय कुमार, अब क्या है परिवार जो है स्वयं सहायता समूह में कोषाध्यक्ष है, वहाँ मीटिंग है, चलिए उनके मीटिंग है सोनी देवी कहाँ से वो उन लोग के नगर के साथ आज मीटिंग था, इसलिए बुलाया गया था कि आज के दिन कोई काम वार्निंग खाद के बारे में इन लोग को समझाया जाता, तो जब नहीं था तो सर लोग इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना सवेरे में हम लोग के, हम सवेरे भी पूछे तो कहे नहीं होगा होगा, तो हम बुला लिए महिला लोग के, महिला लोग आई जो हम लोग का सीनियर है सिटी मिशन मैनेजर वही बोले क्या डिसेंट सनशाइन एकेडमी ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन क्लासेस PG-8 रजमान चौक से पश्चिम धीरामपुर दरभंगा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था, इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। दरभंगा विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर विगत 2 मार्च से डॉक्टर नंदलाल पासवान अधिशत सदस्य LNMU दरभंगा सह सहायक प्राध्यापक राजनीति विभाग MLSN कॉलेज दरभंगा के द्वारा शोषण अत्याचार जाति भेदभाव भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना अनशन कार्यक्रम जारी है। वहीं डॉक्टर नंदलाल अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल पर अभी भी डटे हुए है। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता राजू सिंह ने उनसे बात करके धरना कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मैं डॉक्टर नंदलाल पासवान सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग MLSM कॉलेज दरभंगा और अधिशत सदस्य ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा अपने उचित न्यायिक मांग को लेकर के दो मार्च से अद्यतन लगातार बैठते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि MLSM कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग में 3 रिक्त पद खाली है, जिसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी 2 पद चोरी करके हमारा वेतन 10 वर्षों से रोक रखा है और हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि 1986 से कार्यरत अवधि का लेंथ ऑफ सर्विस काट करके 2016 कर दिया है, जिस कारण हमारा ग्रेचुटी पेंशन प्रमोशन 10 साल का बकाया देकर सब बाधित कर रहा। मैं अनुसूचित जाति संवर्ग से बिलोंग करता हूँ। ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हमारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, शोषण कर रहे हैं, जाति पात का भेद कर रहे हैं और जब मैं अपने उचित मांग को लेकर जाता हूँ तो हमें जाति पाति का से संबोधित करके कार्यालय से धक्का दे करके बाहर करते हैं।